चाहेंगे आप? अच्छा है, बल्कि जब मैंने शुरुआत की थी हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी की, मुझे खुद नहीं मालूम था कि ये स्टैंड अप कॉमेडी है। मैंने एक शो किया मूवीज एंड शेकर्स, जो अपने आप में एक पहला शो था और भारत में उस शो ने पहल की, टॉक शो की, बैंड हमने हम लेके आए शो में, ऑडियंस लेके आए, पूरा फॉर्मेट वही लेके आए, वही लोगों ने कॉपी किया, बनाया, ठीक है, वो एक आदमी उदाहरण बनता है, बाकी लोग करते। मुझे हैरत होती थी और हंसी भी आती थी कि जब वो स्पॉट बॉय भी आके कहता था, सर आप स्टैंड अप तैयार है आपका, चलिए, तो मैं कहता तुम्हें क्या मालूम स्टैंड अप क्या होता है, बोला नहीं मैंने सुन रखा है ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो बाहर जब बात करते तो पूछते थे स्टैंड अप क्या होता है, स्टैंड अप कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे शुरुआत में बहुत बातें होती थी टीआरपी की, तो लोगों को मालूम ही नहीं था टीआरपी है क्या, खरीद और टीआरपी बड़ी ऊपर आ रही थी, टीआरपी क्या फुल फॉर्म वो नहीं मालूम। तो उसी तरह स्टैंड अप कुछ भी नहीं है, लोग आज ग्रुप में भी एक्ट करते हैं ना तो कहते हैं क्या स्टैंड अप एक्ट, वो स्टैंड अप एक्ट नहीं होता है, वो गैग्स होते हैं, वो स्किट्स होते हैं, वो स्टैंड अप। स्टैंड अप एक्ट का मतलब एक आदमी अकेला एक जगह एक स्पॉट पे माइक लेके खड़ा है और बोल रहा है, या अगर माइक लगा के बोल रहा है, वो स्टैंड अलोन एक्ट होता है। ऐसा नहीं कि दो लोग मिलकर स्टैंड अप कर रहे हैं, है ना, दो लोग मिलकर एक नहीं हो सकते, दो लोग दो ही होंगे, या दो लोग मिलकर ग्रुप नहीं कहलाते, दो लोग ग्रुप इज 3, 4, 5, 6 पीपल साथ मिलकर जो गैग करते हैं। तो उसी तरह से स्टैंड अप शो का जो चलन शुरू हुआ है वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, खूबसूरत ट्रेंड है, और बड़ी नई नई प्रतिभाएं आई हैं, पहले लोगों को नहीं मालूम था, फिर उन्होंने सीखा, एक दूसरे से सीखा हम लोगों ने, और अब अंग्रेजी में भी और मेरे ख्याल से अब रीजनल भी स्टैंड अप कॉमिक्स आ रहे होंगे, सब जगह आ गए, अच्छी बात है, क्योंकि चूंकि ये विधा लोगों को नहीं मालूम थी उनको, और उनमें वो हुनर था, उनको मालूम नहीं था कि अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो चूंकि अब ये फॉर्मेट बाहर आ गया है और लोग पसंद करते हैं और लोग देखने जाते हैं, और दुनिया में एक से एक कलाकार और हिंदुस्तान में भी एक से एक हुनर है यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि और भी लोग इससे जुड़े। वैसे अगर आप परिवार में देखेंगे तो हर कोई स्टैंड अप आर्टिस्ट है, बाप खड़ा होता है तो अब अपनी बोलता है, माँ खड़ी होती है तो अपना कहती है, बेटा खड़ा होता है तो अपना कुछ कहता है, तो इस दुनिया में सब लोग स्टैंड अलोन आर्टिस्ट हैं। अब क्या है कि प्रोफेशनली सबको मंच मिल गया। Nice.
क्लियरफील्ड ट्राइपॉड से हट के कनिष्ठा जी और हम लोग 20-20 मिनट बात कर लेते हैं। अरे उसके साथ ये कौन है ये मुझे नहीं मालूम। चलो तो बहुत ऐसी अनोखी बातें हैं तनाज के बारे में, बट इट्स